द्रौपदी कहेंगे कि तुमने मेरा ही भजन किया है, कृष्णा मेरा नाम है, इसलिए कृष्ण बोला करो। अर्जुन बोलेगी लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भीम कहता है अर्जुन अगर यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं इसका वध कर दूंगा। धर्मराज से पूछा गया कि क्या किया जाए, तो धर्मराज कहते हैं कि जो धर्म कहे वही क्या करो, वही करो। अब विचार करो, धर्मराज कहते हैं कि जो धर्म करे वो करो, द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम कहते हैं कि यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। भगवान के पास गए, भगवान से पूछा कि प्रभु अब आप ही बताओ माधव मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं आप ध्यान से सुनना कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्या आततैव धारणा मयैव भयमानातम् परिपायनुशासनम्। ये ब्राह्मण है इसलिए इसका वध मत करो, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है, ये आतताई है, ये एक पापी है, इसलिए इसको छोड़ो भी मत। अब अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान कह क्या रहे हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण है इसलिए मारो भी मत, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसे जरूर मारो। लेकिन अर्जुन भी भगवान के साथ रहते थे, भगवान की बुद्धि को समझ गए भगवान कहना क्या चाहते हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर पर लगे मणि को निकाल दिया और उसे धक्के मार करके शिविर के बाहर कर दिया। ये अब अश्वत्थामा को तो शुक्र गुजार होना चाहिए था कि काम तो मैंने मरने का किया, लेकिन फिर भी इन पांडवों ने मुझे अभय दान दिया। बंधुओं सबसे बड़ा दान क्या है, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आप सभी बैठ करके कथा सुनो। सबसे बड़ा दान क्या है, अभय दान ही सबसे बड़ा दान है। किसी को आपसे डर ना लगे, ये अभय दान है, किसी को भी आपसे भय नहीं लगना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा के मन में द्वेष हो गया, कहता है कि मैं इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। शिविर में बैठा बैठा सोचने लगा कि इन पांडवों के वंश में वैसे बचा ही कौन है, पांचों पुत्रों को तो मैंने मार दिया, एक अभिमन्यु था उसका वध तो महाभारत के युद्ध में ही हो गया, अब तो वैसे ही खत्म हो गए। लेकिन फिर मन में विचार किया कि नहीं नहीं अभिमन्यु की जब मृत्यु हो रही थी तो मैंने युद्ध क्षेत्र में सुना था कि उसकी पत्नी सती नहीं हुई क्योंकि वो उस समय गर्भवती थी, और ऐसा सोच करके उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान करने वाले थे, जैसे ही रथ पर आरूढ़ होने के लिए निकले, आप सभी ध्यान से कथा सुनो, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिका जाने को प्रस्थान करने वाले थे, वैसे ही उत्तरा भय से विवल होकर के दोनों भुजाएं उठा करके दौड़ती भाई द्वारिकाधीश के रथ के आकर के उनके चरणों में गिर गई और कहती है पाही पाही महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम त्वत भयम् पश्ये यात्र मृत्यु परस्परम्।
हे द्वारिका के नाथ, हे महायोगी श्री कृष्ण, हे माधव, हे अच्युत, मेरी रक्षा करो। पता नहीं यह ब्रह्मास्त्र भले ही कामम दहतु माम नाथ माम में गर्भो निपात्यता, हे नाथ, यह अस्त्र भले ही मुझे जला करके मार डाले, लेकिन मेरे इस गर्भस्त्र शिशु की रक्षा करो। अर्जुन, द्रौपदी सब वही कुंती बिल्कुल शांत खड़े थे। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ के आकार का रूप धारण किया और एक रूप से बाहर भी खड़े हैं और एक रूप से अंगुष्ठ का रूप धारण करके उत्तरा के नासिका के द्वारा उनके गर्भ में प्रस्तुत होकर के और अपनी गदा को ऐसे घुमाया कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा हो गई। बंधु, ऐसा नाद हमारा हो, ऐसी पुकार भगवान के प्रति हमारी हो, तो क्या भगवान हमें मिलेंगे नहीं? कोई पुकारे तो सही भगवान को। भगवान पता है हमसे क्यों नहीं मिलते, हमसे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति ऐसे विश्वास नहीं है। हम विश्वास ही नहीं करते कि भगवान हमसे बात कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। लेकिन जब ऐसी पुकार होगी तो ही हमें भगवान मिलेंगे। आज द्रौपदी मन में विचार करती है कि यदि ऐसे ही मैंने भी कभी कौरवों की सभा में कृष्ण को पुकारा होता तो कभी मैं उन कौरवों की सभा में निर्वस्त्र होने से बच जाती, मुझे निर्वस्त्र नहीं होना पड़ता।